उत्तर प्रदेश समेत उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद चंदन कियारी ने बरमसिया में भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रदीप मांझी की अगुवाई में पटाखा फोड़कर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर हर्ष व्यक्त किया। इस दौरान मंडल अध्यक्ष प्रदीप मांझी ने कहा कि ये जीत हिंदुत्व की जीत है। आज यूपी, पंजाब समेत अन्य राज्यों में कांग्रेस का सफाया हो गया। चुनाव में मिली प्रचंड बहुमत आगामी लोकसभा चुनाव में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का संकेत देश की आम जनता ने दे दिया। ये जीत कहीं न कहीं विकासवाद की जीत है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की जीत है। आज भाजपा की नीति को घर घर पहुंचाना हम सभी कार्यकर्ताओं का लक्ष्य है। चार राज्यों में पार्टी की बंपर जीत से पूरे देश के भाजपा कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष प्रदीप मांझी, मंडल मंत्री सुबोध चक्रवर्ती, मंडल उपाध्यक्ष सुभाष गोप, रहनी मोदी, पूर्वी सूत्रीय सदस्य लोकेश्वर सहनी, दयाल मांझी, गोराचंद सहनी, अमित वरण सहनी समेत अन्य मौजूद रहे। चंदन क्यारी से मुकेश कुमार महाता की रिपोर्ट। का एक ही मुद्दा था राम मंदिर बनाना, जो जनता को राम मंदिर सौंपा, 370 धारा हटाना, 370 धारा हटाया, मुस्लिम महिला के लिए तीन तलाक भी हटाया और बहुत सी सारे हर योजना हर काम अपना जमीन स्तर गरीब तक पहुंचाने के काम। विकास के ऐसे कौन से पांच मुद्दे हैं जो आप बताने के काज करेंगे जिसमें सत्ता में आप लोगों दोबारा काबिज होने का? विकास का मुद्दा एक ही है, गरीबों के लिए आयुष्मान कार्ड जो गरीबों को इलाज के लिए बेहतर है, गरीबों के लिए चावल हर महीना चावल देता है जो गरीबों के लिए कार्य कल्याणकारी योजना है, उजाला गैस महिला के लिए हर महिला खुश है जो उजाला गैस के माध्यम से अपना खाना पकाता है, और युवा के लिए शिक्षा, जो महिला के लिए महिला समिति के द्वारा लोन, जो महिला हर महिला को 1% या 2% दे के उसका हर काम में सहयोग मिलता है। अगर उत्तर प्रदेश के सिवाय पंजाब की बात करें तो पंजाब में कहीं भाजपा धराशायी हो गई, इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? पंजाब में एक ही कारण है, पंजाब में जो पंजाबी लोग हैं उसका कैंडिडेट हमारा पूर्व कांग्रेस सरकार ने मनमोहन जी को किया था, इसी के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी से वो लोग नाखुश है कि हमारा पंजाबी को कांग्रेस सरकार ने प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाया था जो बीजेपी में नहीं बना, इसके चलते ही हमारा पंजाब में सरकार बीजेपी का नहीं बन पा रहा। क्या इस जीत से आपको लगता है कि राष्ट्रवाद मजबूत हो पाएगा? राष्ट्रवाद हमारा 100% मजबूत होगा, पंजाब में नहीं होने से बाकी 29 में 28 राज्य में बीजेपी का सरकार, भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनेगा और देश में फिर से मोदी जी प्रधानमंत्री बनेगा, इसके लिए कोई दुमत नहीं है। क्या इस जीत के पीछे ये हिंदुत्व वाला जो ट्रम्प कार्ड खेले ये भी कहीं मायने रखने वाला बात है? हिंदुत्व वाला भी मायने रखे है और अल्पसंख्यक को अपने गले मिलाकर इस चुनाव में लेके योगी जी आगे बढ़े, तब मुस्लिम का भी कोई विरोध नहीं हुआ, हिंदुत्व तो आगे बढ़ा, हिंदुत्व का मेन मुद्दा था छत्तीस सिंह जी का सीना ऊंचा कर दिया जो राम मंदिर बना दिया। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।